डियर स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ साइंस, लास्ट लेक्चर में बात की रही थी कुछ सॉल्ट्स के बारे में, तो आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स की जिनको हम सॉल्ट के हेल्प से बना सकते हैं। तो हमारी हेडिंग का नाम रहेगा केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स। तो केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स में हम किन किन को केमिकल्स को सॉल्ट से बना सकते हैं। पहले हम बना सकते हैं NaOH, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा जिसको हम बना सकते हैं उसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला होता है CaOCl2। तीसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, जिसको हम कहते हैं सोडियम। कार्बोनेट फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। फोर्थ हमारा जो होता है वो होता है हमारा बेकिंग सोडा, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो हमारा है NaHCO3। और लास्ट हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं POP, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो फार्मूला होता है CaSO4.12H2। आप इसको नोट कर लीजिए। इन केमिकल्स को हम सॉल्ट के हेल्प से बना सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, किस टाइप से हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट केमिकल की, जिसका नाम होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH इज कॉमनली नॉन एज कॉस्टिक सोडा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा इज NaOH। कैसे बनाते हैं इसको सॉल्ट से, यहाँ पर लिया हमने NaCl, इसके हमने रिएक्शन करा दी H2O से, ये बनाएगा NaOH। अब सोडियम कितना यहाँ पर 1 है, अभी सोडियम कितना 1 है, क्लोरीन कितना यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन नहीं है। और क्लोरीन हमेशा जो होता है वो डायटोमिक होता है, यानी Cl2 के फॉर्म में होता है। अगर क्लोरीन डायटोमिक होता है तो यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन को 2 करना था, 2 लगाना पड़ेगा। अब क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम क्या लगाना पड़ेगा, हमको सोडियम के आगे 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और लग जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट। ये हमारा जो होता है कॉमन सॉल्ट होता है, नोट कर लीजिए।
अब हम यूजेस की बात करें तो यूजेस ऑफ एन एम एच किस किस काम में आता है। तो सबसे पहला जो है एन ए ओ एच इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, साबुन और डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है। फिर एन ए ओ एच इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, फाइबर जो रेशे होते हैं उनको बनाने में काम में भी आता है। फिर एन एम एच यूज में आता है, एन ए एच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में काम में आता है। फिर एन ए एच इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल रिफाइनिंग में ये काम में आता है। तो इस टाइप से एन ए एच के यहाँ पर यूजेस हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में, उसको आप नोट कर लीजिए। फिर हमारा जो टॉपिक रहेगा लास्ट टॉपिक आज का वॉशिंग सोडा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अगले केमिकल्स के बारे में बात करेंगे, इनको हम सॉल्ट, जिसको हम सॉल्ट की हेल्प से बना सकते हैं।